हाँ जी राजे, वेलकम है तुहाडा बी ए पार्ट थ्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अते बी एस सी पार्ट थ्री नॉन मैडिकल। अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है, ऑलमोस्ट चैप्टर जो अपने फिनिश कर लेने। प्रीवियस लैक्चर के अपने प्रोबेबिलिटी का काम किया, बायस थ्योरम, टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन समथिंग काम किया, कल वो थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स कीतिया। अज आप चैप्टर स्टार्ट कर जा रहे हैं रिलेशनस का, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन, बस ये दो चैप्टर फिनिश करने तो बाद अपनी ये बुक ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। जे कुछ पेंडिंग थोड़ा बहुत कम रहा हो बाद कवर अप कर लाँगे। इस तो बाद आप मैथमेटिकल मैथड की बुक स्टार्ट करा। सो अपनिया मैथमेटिकल मैथड दुक्स अरेंज कर लो, ठीक है। एक चैप एक लैक्चर होर लगाऊंगा मैं फंक्शन से, फंक्शन तो बाद आप स्टार्ट करा मैथमेटिकल मैथड। सो आप गल करते हैं रिलेशन की। रिलेशन का मतलब की होंगे, कोई रिश्ता किसी एक का, एक एलीमेंट का दूजे दे नाल किदां दा रिश्ता आ, किहड़ी प्रॉपर्टी, किहड़े ऑपरेशन दे विचो बजे हुए ने, उस चीज़ नूं आपां उन्हां दा आपसी रिलेशन बोलांगे। फस्टली तां लैट करदे आ, एक सैट ए आ, एक सैट बी आ, दो सैट्स ने। इह रिलेशन इज ए टू बी या बी टू ए हुंदा, सबसैट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी दे विच की हुंदा, ए दे एलीमेंट नूं टर्न बाय टर्न बी दे सारे एलीमेंट्स दे नाल असाइन किया हुंदा, कोआर्डीनेट पेयर च रखे होंगे ने। पहला एलीमेंट ए का, इधरों पहला एलीमेंट बी का, फिर पहले दे नाल दूजा एलीमेंट बी का, फिर पहले दे नाल तीजा एलीमेंट बी का, फिर पहले दे नाल चौथा एलीमेंट बी का। इसे टाइप दे नाल ए क्रॉस बी दे विच की हुंदा, कलैक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन हुंदा, क्योंकि ए दे सारे एलीमेंट्स नूं बी दे ईच एलीमेंट दे नाल टर्न बाय टर्न असाइन किया होया, कोआर्डीनेट पेयर दे विच राइट आउट किया होया है। सो जिहड़ा रिलेशन है ए टू बी, ए एक सबसैट हुंदा ए क्रॉस बी का। सो आर रिलेशन सबसैट आ ए क्रॉस बी का। कहना जे एक्स वाई कोई मैंबर होवे किसी रिलेशन का, तो यह तो पता लगता कि पहला एलीमेंट ए का आ, दूजा एलीमेंट बी का आ। सो इनू इदा भी लिख दें आप, एक्स वाई ओपन ब्रैकट के या ऑर्डर्ड पेयर के कोआर्डीनेट्स के टू टप्पल के काफ़ी कुछ कहा जाता है। इनू दो एलीमेंट्स वाला वैक्टर भी है, ये किनू बिलोंग करता, आर नू। या कई बार बुक्स के आ चीज़ लिखी होंगी एक्स आर वाई, इहदा मतलब भी यही है कि एक्स रिलेटड विद वाई, एक्स ते वाई दा आपस दे विच कोई ना कोई रिलेशन आ, विच मीनस एक्स इज ए रिलेटड टू वाई। सिमिलरली इफ एक्स इज नॉट रिलेटड टू वाई, तो या तो आप इतने नॉट बिलोंगस टू का सिंबल पा देंगे, ये बिलोंगस टू का सिंबल, ए बिलोंगस टू के सिंबल के बाद एक लाइन लगा के नॉट बिलोंगस टू लगाता, कि यहाँ मतलब की हो गया कि एक्स से वाई का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। या आप इदा लिख दें कि एक्स आर नॉट रिलेटड टू वाई, इतने ना आ चीज लाई हुई है नॉट रिलेटड टू वाई, कि एक्स से वाई का आपस के रिलेशन नहीं बन रहा। सो जिवें आप गल करिए, ए एक सैट आ वन टू थ्री, बी एक सैट आ ए बी, तो आपने हुण की सैट क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट की होंगी, जो मैं तुहानू पहला दसता कि ए दे ईच मैंबर नूं टर्न बाय टर्न बी दे सारे एलीमेंट्स दे नाल असाइन किया होया, ऑर्डिनेट पेयर दे विच लिखा, वन दे नाल ए वी आऊ, वन दे नाल बी वी आऊगा, फिर दो दे नाल ए आऊगा, दो दे नाल बी आ गया, फिर तीन दे नाल ए आ गया, तीन दे नाल बी आ गया, इसे टाइप नाल अगे अगे चलदा रहूगा। सो ए क्रॉस बी है। डोमेन अते रेंज लैट कर लें, आर कोई रिलेशन आ ए तो लैके बी तक का, दैन सैट ऑफ द फस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द रिलेशन, जिहड़े पहले पहले एलीमेंट्स ने उन्हां नूं आपां डोमेन बोलांगे। ए बी दे विचों पहला एलीमेंट की हो गया ए, डोमेन। जे रेंज की गल करांगे तां सैट ऑफ सैकेंड कंपोनेंट्स, जिहड़े सैकेंड प्लेस ते एलीमेंट्स पए ने उह की ने, रेंज ने, तां बी बन गया रेंज, ए बन गया डोमेन। डोमेन अते रेंज की गल क्लीयर होगी। इहदे विचों ना काफ़ी हद तक चैप्टर तुसीं प्लस वन प्लस टू च पढ़े हुए ने, फस्ट ईयर दे विच भी पढ़े हुए नेगे। मैं कहण नूं इह गल कह सकदा सीगा वी रिलेशन अते फंक्शन वाला चैप्टर तां सारे दा सारा पुराना ही आ, तुसीं अपने आप पूरा कर लिओ, कह सकदा सी मैं। बट फिर भी मैं तुहाडी हैल्प दे लई रिवाइज़ दे लई एक एक लैक्चर लगाऊंगा, इहनां ते बहुता टाइम नहीं वेस्ट करदे, ठीक है। सो रिलेशन दे विचों अपने कोले क्रॉस प्रोडक्ट होगी, डोमेन अते रेंज होगी। उस तों बाद चलदे आ आपां नैक्सट रिलेशन वल, पहला तो रिफलैक्सिव रिलेशन की गल कर लिए। इतने कि जो डेफिनेशन आऊगी रिफलैक्सिव रिलेशन की, जदों कोई एलीमेंट अपने आप नाल ही रिलेटड है, एक्स रिलेटड टू एक्स या एक्स एक्स बिलोंगस टू आर,
एक ही चीज हो गया रिफ्लैक्सिव रिलेशन हो गया फॉर एवरी एलीमेंट, जे सैट का हरेक एलीमेंट अपने आप दे नाल रिलेटड है तो रिफ्लैक्सिव रिलेशन आ, सैट का हरेक एलीमेंट अपने आप दे नाल रिलेटड आ तो वह की बन जूगा रिफ्लैक्सिव रिलेशन। वन दे नाल वन, टू दे नाल टू, थ्री दे नाल थ्री, इस तरीके नाल। उस तो बाद आ गया समिट्रिक रिलेशन। समिट्रिक रिलेशन दे विच की चीज आ गई कि ए अते बी कोई दो सैट दे एलीमेंट्स ने, जे ए दा बी दे नाल रिलेशन आ इत्थों पता लगता हो बी का भी ए दे नाल रिलेशन आ तो वह कि बन जूगा समिट्रिक रिलेशन बन जूगा। जे ए दा बी नाल रिलेशन आप मन के चल पे इतो ये सॉल्व हो जाता या कंसिडर हो जाता क्लीयर हो जाता कि उल्टा रिलेशन भी आ ए दा बी नाल आ ते बी दा भी ए दे नाल रिलेशन आ रिवर्स रिलेशन भी हैगा आ तो इनू आप समिट्रिक रिलेशन बोलांगे। समझ लग रहा हाँ ना कह दिया करो कुछ ना कुछ। जिमें आ सीगा ए सैट आ ए क्रॉस ए पता कर लिया ये वन का थ्री नाल रिलेशन आ तो थ्री का भी वन नाल हैगा तो यस ये समिट्रिक रिलेशन आ। जिमें ये की है वन टू है वन थ्री है थ्री वन आ, वन का थ्री नाल रिलेशन आ थ्री का तो वन नाल हैगा बट वन का टू नाल सी टू का तो वन नाल है नहीं गा ना तो टू वन तो बिलोंग नहीं करता इसलिए ये रिलेशन आ जिहड़ा नॉट समिट्रिक है। जिहड़े जिहड़े भी एलीमेंट रिलेशन च पए ने उन्हां सारयां दे रिवर्स रिलेशन उत्थे होने चाहिए ने सारयां दे। तुसी किसे एक अद्धे नूं रीजन नहीं दे सकते भी वन थ्री दा सीगा जी थ्री वन दा तां पिया तां समिट्रिक नहीं हैगा। ये चीज़ सैट दे सारे एलीमेंट्स ते लागू होनी चाहिए है। वन टू दा हैगा तां टू दा भी वन नाल हुंदा तां समिट्रिक रिलेशन बनदा। इत्थे देखो वन वन आ तां वन वन दा भी वन वन नाल हैगा ही आ वन वन इहदा रिवर्स रिलेशन वन वन ही आ गया। वह करल ब्रैकट आ सैट की फॉर्म दे विच आ बहुती वार नहीं लिखिया एक बार लिखिया गया वन का थ्री नाला थ्री का वन नाला। यदा मतलब इस रिलेशन जिन्ने भी एलीमेंट्स ने सारिया के रिवर्स रिलेशन इतें मौजूद पे ने तो यह हो गया समिट्रिक। इतने सारिया के रिवर्स रिलेशन नहीं है कुछ तो है कुछ तो नहीं है तो जिदे नहीं है उन्होंने वजह के कारण इनू नॉट समिट्रिक बोलिया जाऊगा। समझ लग गया उस तो बाद चलते आप एंटी समिट्रिक रिलेशन वाल। एंटी समिट्रिक रिलेशन दे विच की है कि जे ए दा बी नाल होवे अते बी दा ए नाल होवे दोनों रिलेशन होण इट इंप्लाइज दैट ए दा बी इक्वल है। जे ए दा बी नाल रिलेशन आ उहदा रिवर्स भी आ बी दा ए नाल तां इत्थों की साबित हुंदा कि ए अते बी बराबर ने तां आपां नूं बोलांगे एंटी समिट्रिक। एग्जाम्पल्स करन वेले आपां एंटी समिट्रिक उदों बोलांगे जदों किसी दा भी ओपोजिट रिलेशन नहीं होगा किसी का भी रिफ्लैक्स रिलेशन रिवर्स रिलेशन नहीं होगा उदो आप एंटी समिट्रिक बोलेंगे। जो आप आर्टिकल्स के थ्योरम्स के यूज़ करा उदो आप आ गलबात यूज़ करा कि ए का बी नाल बी का ए नाल ए ते बी बराबर देखने ने लाजमी। जे बी का ए नाल ना होंदा फिर बराबर देखने की लोड़ ही नहीं। एग्जाम्पल्स आप किसी एंटी समिट्रिक कदों कहे जदों सिर्फ उन्होंने डायरैक्ट रिलेशन होणगे रिफ्लैक्सिव नहीं होणगे रिफ्लैक्सिव कह गया मैं रिवर्स रिलेशन नहीं होणगे क्योंकि जे रिफ्लैक्स रिलेशन आ गया तां तुहानूं उहनां दोनां नूं बराबर प्रूव करना पैजूगा। जे वन दा फोर नाल रिलेशन आ फोर दा भी वन नाल रिलेशन आ तां तुसीं दसो वन ते फोर बराबर ने नहीं हैगे तां एंटी समिट्रिक नहीं बणदा। जे कल्ला वन फोर ही है तां उह एंटी समिट्रिक हैगा क्योंकि वन फोर आ फोर वन तां है ही नहीं। जद उहदा रिफ्लैक्स ही नहीं हैगा मैं फिर रिफ्लैक्स बोल गया जद उहदा रिवर्स ही नहीं हैगा तां उहनां दोनां नूं बराबर देखण दी भी लोड़ नहीं। तो यह हो गया अपने कोले एंटी समिट्रिक के ए दा बी नाल अते बी दा ए नाल तां ए बी बराबर भी ने तां बोलांगे आपां एंटी समिट्रिक रिलेशन। एक हो गया रिफ्लैक्सिव। रिलैक्सिव दे विच रिफ्लैक्सिव दे विच मैं तुहानूं की दस्सिया जदों हरेक एलीमेंट अपने आप दे नाल रिलेटड है। एक हुंदा इररिफ्लैक्सिव। इररिफ्लैक्सिव दे विच आई आर लग गया नाववाचक लग गया जदों कोई भी एलीमेंट अपने आप नाल रिलेटड नहीं हैगा। जे कुछ क एलीमेंट रिलेटड ने वन दा वन वन नाल थ्री दा थ्री थ्री नाल टू दा टू टू नाल नहीं हैगा तां इह रिफ्लैक्सिव नहीं हैगा ना। वन वन हैगा थ्री थ्री हैगा पर टू टू नहीं हैगा तां इह रिफ्लैक्सिव तां नहीं बणिया। सारे एलीमेंट अपने आप नाल रिलेटड होने चाहिए ने टू टू है नहीं गा इहदी वजह कारण इहनूं आपां रिफ्लैक्सिव नहीं बोल सकते नॉट रिफ्लैक्सिव आ गया। वो नॉट इररिफ्लैक्सिव भी है
नॉट इररिफ्लेक्सिव क्यों आ, क्योंकि कुछ कदे सेम सेम पे ने, जे किसी का भी सेम का सेम नाल ना होंदा फिर आप इररिफ्लेक्सिव कहते। इररिफ्लेक्सिव किहड़ा रिलेशन आ जिदे विच किसी का भी सेम नाल रिलेशन ना हो। रिफ्लैक्सिव किहड़ा जिदा हरेक का अपने आप नाल रिलेशन हो। नॉट रिफ्लैक्सिव की हो जूगा जिदे विच कुछ कदे रिलेशन है ने कुछ कदे है नहीं गे। नॉट इररिफ्लैक्सिव भी यही हो गया, कुछ कदे सेम है ने कुछ कदे सेम है नहीं गे। ठीक है, सो चार रिलेशन दसे ने मैं तुहानू, रिफ्लैक्सिव, इररिफ्लैक्सिव, समेट्रिक अते एंटी समेट्रिक। हल तक चार रिलेशन दसे ने। उस तो बाद आ गया जी ए, एक मिनट, एक ट्रांसटिव रिलेशन रह गया। ट्रांसटिव रिलेशन की चीज है? ट्रांसटिव रिलेशन आ सीगा कि ए बी सी सैट के एलीमेंट्स ने, जे ए दा बी ना रिलेशन आ, अग्यों बी दा सी ना रिलेशन आ, तो एक लिंक जहा बन गया ए तो बी, बी तो सी, ता ए तो सी नाल भी रिलेशन हो गए, तो उन्हों आपां ट्रांसटिव रिलेशन कहने हैं। लिंक रिलेशन जहा बन जाता ए दा बी नाल अते बी दा सी नाल, ता डायरैक्टली ए दा सी नाल रिलेशन होवे तां इहनूं आपां ट्रांसटिव रिलेशन कहने हैं। पंज रिलेशन हो गए हुण तक अपने। उस तो बाद आ गया जी अपने कोले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दे विच तीन शर्तां हुंदियां ने। इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी हुंदा, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी हुंदा, समेट्रिक भी हुंदा, ट्रांसटिव भी हुंदा। जिहड़ा रिफ्लैक्सिव भी होवे, समेट्रिक भी होवे, ट्रांसटिव भी होवे, उहनूं आपां इक्विवेलेंस रिलेशन बोलदे हुंदे आ। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन दे विच तां रिवर्स रिलेशन मैं काफ़ी देर तो वर्ड यूज कर रहा हाँ, आर दी पावर माइनस वन कर देना, इहदा मतलब जे ए बी आर दे विच है तां उहदा उलट बी ए दे, उहदा उलट आर इनवर्स दे विच है, जे बी ए आर दे विच सीगा तां उहदा उलट ए बी आर इनवर्स च आ जूगा, मतलब सब दी डोमेन रेंज नाल इंटरचेंज कर देनी, तां इह इनवर्स रिलेशन हो जूगा। छे रिलेशन हो गए अपने, छे रिलेशन हो गए। सत्तवां आ गया वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन का मतलब एम्पटी रिलेशन हो गया, कोई भी एलीमेंट नहीं हैगा, नल सैट है, कोई भी एलीमेंट रिलेशन च नहीं आता, तो इनू आपां वाइड रिलेशन कह सकते हैं, नल रिलेशन कह सकते हैं, एम्पटी रिलेशन कह सकते हैं, जिदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं आता। उस तो बाद आ गया यूनीवर्सल रिलेशन। यूनीवर्सल रिलेशन दे विच की आ जूगा, कलैक्शन ऑफ ऑल पॉसीबल ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए दे विच तां सारे रिलेशन हुंदे ने, क्रॉस प्रोडक्ट वाले सैट नूं या कलैक्शन ऑफ ऑल पॉसीबल रिलेशन नूं की कह देना, यूनीवर्सल रिलेशन, कलैक्शन ऑफ ऑल पॉसीबल रिलेशन जिहदे विच सारे रिलेशन ही हुंदे ने। उस तों बाद कंपैटिबल रिलेशन आ गया। कंपैटिबल रिलेशन दे विच की आ गया, ए रिलेशन आर इन ए इज सैट टू बी कंपैटिबल रिलेशन इफ इट इज रिफ्लैक्सिव एंड समेट्रिक, दो शर्तां पूरियां करदा, रिफ्लैक्सिव अते समेट्रिक दीआं, ट्रांसटिव दी शर्त नहीं हैगी। ठीक है, सत्त रिलेशन हो गया अपने को। सत्तवां तो यह सीगा, अठ रिलेशन, अठवां यूनिवर्सल आ, नौवां रिलेशन कंपैटिबल आ गया, दसवां रिलेशन आ गया अपने को पार्शल ऑर्डर रिलेशन। पार्शल ऑर्डर रिलेशन कह लो या कई बार इन पोसेट भी कहा जाता, पार्शल ऑर्डर सैट, पोसेट या पार्शल ऑर्डर रिलेशन, कई बार इन टोसेट भी कहा जाता, टोटली ऑर्डर्ड सैट या रिलेशन, टोसैट, टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन कह लो या पोसैट कह लो या पार्शल ऑर्डर रिलेशन कह लो, टोसैट, पोसैट, पार्शल ऑर्डर रिलेशन, टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन, ये सारिया शर्तां किहदियां ने, इहदियां विच तीन शर्तां हुंदियां ने, ये रिफ्लैक्सिव हुंदा, एंटी सिमेट्रिक हुंदा, ट्रांसटिव हुंदा। इक्विवेलेंस नालों दूजी प्रॉपर्टी बदल गई, इक्विवेलेंस दे विच दूजी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक दी सी, इहदे विच दूजी प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक दी आ गई। सो टोटल अपने कोल तकरीबन ज़्यादातर काम आने वाले 10 रिलेशन ने। इहनू कई बारी चेन भी कहा जाता, पार्शल ऑर्डर रिलेशन नू चेन रिलेशन भी कहा जाता।
उस तो बाद आ गई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की। मन लो कि अपने को आर एक रिलेशन आ ए तो बी वल, एस एक रिलेशन आ बी तो सी वल, तो चेन किधरों चलती है ए तो बी, बी तो सी, तो एक रिलेशन आजूगा एस कंपोजिशन आर, ये उल्टा होंगे, उल्ट लिखा जाता, क्योंकि आर जिहड़ा आ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਬੈਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਵੱਲ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਏ ਸੀ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਏ ਤੋਂ ਬੀ, ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ, तो यह बन जूगा एस कंपोजिशन आर, पहला बैक वाला रिलेशन फिर पहले वाला रिलेशन। जिमें अपने को एक एग्जाम्पल है ए सैट के एक तो लैके सत्त तक एलीमेंट ने, आर के कुछ क रिलेशन दिते हुए एस के कुछ क रिलेशन दिते हुए, आप एस कंपोजिशन आर पता करना, एस कंपोजिशन आर का मतलब तुम आर वालों चलो एस वालों जाओ, देखो इधर ध्यान आर तो शुरू करा वन तो टू, इधर दो तो कोई शुरू ही नहीं होंगे तो यदि तो बारी ही नहीं आनी, दो तो पंज, इधर पंज तो कोई शुरू ही नहीं होंगे ये भी नहीं बारी आ रही, फिर तीन तो छे, इधर छे तो कोई शुरू नहीं होंगे ये भी नहीं बारी आ रही, फिर सत्त तो चार, इधर की आ गया चार तो तीन, सत्त तो चार, चार तो तीन, तो यह मतलब की आजगा सत्त तीन रिलेशन आजगा एस कंपोजिशन आर के, समझ में आई बात। हुण आपां चलदे आं आर कंपोजिशन एस दे विच, तां पहलां एस तो देखांगे, एस तो इधर नूं चलांगे, इहदा मतलब एक तो चार, इधर चार तो कोई शुरू नहीं हुंदा इहदी भी नहीं कोई लिंक बनना, सत्त तो पंज, इधर पंज तो कोई भी नहीं स्टार्ट हुंदा तां इहदा भी नहीं लिंक बनना, तीन तो सत्त, इधर की आ गया सत्त तो चार, तां इहदा बणू तीन तो सत्त, सत्त तो चार, तां की आऊगा तीन चार आ गया, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਚਾਰ, ਸੋਰੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਨ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਫਾਈਵ ਦਾ ਫਾਈਵ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, थ्री सिक्स का सिक्स थ्री आ गया, सैवन फोर का फोर सैवन आ गया, एवं एस का इनवर्स कढ लिया। इत्थे आपां ने इह वी देखिया कि एस कंपोजिशन आर दे विच होर एलीमेंट ने, आर कंपोजिशन एस दे विच होर एलीमेंट ने, इहदा मतलब दो एलीमेंट, इन्हां दो रिलेशन की कंपोजिशन बराबर नहीं आ रही, कदे बराबर हो भी सकती है कदे नहीं भी हो सकती, वह तो दिते हुए रिलेशन से डिपेंड कर। लो जी कुछ के दिया थ्योरम्स ने गियां बेसिक जी, मैं तुहानू तुहाडे ते चढ़ रहा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास दे विच की हुंदा, आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आ नॉन एम्प्टी सैट एक्स दे उत्ते, लैट ए कोई उहदा एलीमेंट आ, ए दी इक्विवेलेंस क्लास दे विच उह सारे एलीमेंट्स होणगे जिन्हां जिन्हां दा रिश्ता ए दे नाल आ। मैं सिंपल शब्दां दे विच दस दिंदा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज कलैक्शन ऑफ ऑल एलीमेंट्स हूज रिलेशन विद ए, जिन्हां जिन्हां दी रेंज दे विच ए पिया, सिंपल शब्दां दे विच समझो, जिन्हां जिन्हां दी रेंज दे विच ए पिया, मतलब जिहदा जिहदा रिलेशन ए दे नाल आ, देखो इत्थे बी दा रिलेशन ए दे नाल आ ना, तां बी आ जूगा इत्थे, जे इदां हुंदा एक्स ए हुंदा तां इहदे विच एक्स वी आ जाणा सीगा, जे तुहाडे कोले सी ए हुंदा तां इत्थे सी वी आ जाणा सीगा, जिहदे जिहड़े जिहड़े एलीमेंट ए दे नाल रिश्ता रखदे आ ओ एलीमेंट्स दी कलैक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए च आ जाऊ, कलैक्शन ऑफ ऑल दैट एलीमेंट्स हूज रेंज इज ए, एवें समझ लो। चाहे एक आ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तुहाडे ते पेंडिंग छड रहा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह लो, आर्टिकल 16 नोट कर लो, होमवर्क दे विच तुसी करना, बहुत सौखी थ्योरम है, समझ लगी तो ठीक है, बहुत वधिया गल है, अदरवाइज मैं कवर करवा दूंगा डेफिनेटली, पर मैनू लगता है भी तुसी अपने आप कर लोगे आर्टिकल 16, कई बार पेपर च आई हुई है।
बहुत सीधी सीधी जी थ्योरम, थोड़ी जी मैथमेटिकल वर्डिंग थोड़ा तंग कर सकती है, और रिलेशन्स ध्यान नाल पढ़ लेने हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स नूं ध्यान नाल रीड आउट कर लेना कि सिंबल्स की कह रहे हैं, थोड़े जी सिंबल्स इहदे विच वध दित्ते हुए ने, और कोई औखा कम नहीं हैगा। पहली एग्जाम्पल देखो शॉर्ट आंसर आई हुई है, किन्ने रिलेशन बनेंगे सैट ए दे एम एलीमेंट्स ने, कोई सैट बी है जिदे विच एन एलीमेंट्स ने, हुण ए दे विच एलीमेंट्स किन्ने हो गए एम, बी दे विच एलीमेंट्स हो गए एन, जदों आपां ए क्रॉस बी किया तो इन्हां दोनों की प्रोडक्ट आजूगी एम एन, एम इंटू एन, तो नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने होणगे ए क्रॉस बी दे, दो दी पावर एम एन, सबसैट कढ़न वेले आपां दो दी पावर कर लैंदे हुंदे आ, ठीक है, तो ए क्रॉस बी दे विच किन्ने एलीमेंट्स ने एम एन, ये किन्ने सबसैट्स बन सकते हैं दो दी पावर एम एन, इन्ने ही रिलेशन होणगे ए तो बी वल। और दूसरी एग्जाम्पल देखो, आर कोई रिलेशन आ जिहड़ा सैट ऑफ नैचुरल नंबरस ते आ, एक्स वाई एलीमेंट्स ने, एक्स भी नैचुरल नंबर आ, वाई भी नैचुरल नंबर आ, जिहड़ी शर्त है वह की है, दो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 41, इहदा मतलब एक्स नूं 1 भर के वाई कढ लो किन्ना आउंदा, एक्स नूं 2 भर के कढ लो, 3 भर के कढ लो, उन्नी देर तक पता करदे रहो जिन्नी देर तक वाई तुहाडा नैचुरल नंबर आई जांदा 39 37 35 33, जे एक्स नूं आपां अगे चल के 21 भर 20 भरदे आ, देखो ध्यान नाल, जे एक्स नूं 20 भरदे आ तां वाई दी वैल्यू किन्नी आउंदी आ 1, जे आपां एक्स नूं 21 भरदे आ तां वाई दी वैल्यू -1 आ गई, इह नहीं लैणा, इह नैचुरल नंबर नहीं आया, सिर्फ इन्ने क एलीमेंट्स आ जाएंगे अपने को, एक दे नाल 39 आ, दो भरिया सी तां वाई दी वैल्यू 37 आई है, दो दे नाल 37, तीन दे नाल 35, चार दे नाल 33, अप टू सो ऑन, 19 दे नाल 3, 20 दे नाल 1। हुण तुसीं इह रिलेशनज़ पता कर ले, हुण इन्हां रिलेशनज़ दे विचों देखणा की इह रिफलैक्सिव हैगा, की इह सिमेट्रिक है, की इह ट्रांसटिव है, की इह इक्विवेलेंस बनता जां नहीं, की इह पार्शल ऑर्डर सैट बनता जां नहीं, की इह एंटी सिमेट्रिक है, की इह इररिफलैक्सिव है, की इह नल सैट है, की इह वाइड है, की इह यूनिवर्सल है, की इह कंपैटिबल है, जिहड़ियां जिहड़ियां भी गल्लां ने, की दी इक्विवेलेंस क्लास है, सारा कुछ पुछया जा सकदा। हुण पहला तो रिफलैक्सिव का आंसर दो, 1 नूं भरे ते 1 तां आउंदा नहीं, रिफलैक्सिव तां है नहीं गा, 2 नूं भरे ते 2 नहीं आउंदा, 3 नूं भरे ते 3 नहीं आउंदा, 4 नूं भरे ते 4 नहीं आउंदा, 19 नूं भरे ते 19 नहीं आउंदा, 20 नूं भरे ते 20 नहीं आउंदा, किसी का भी अपने आप नाल रिलेशन नहीं हैगा, इहदा मतलब यह की हो गया, इररिफलैक्सिव हो गया, रिफलैक्सिव तो है नहीं गा, इररिफलैक्सिव है क्योंकि किसी का भी अपने आप नाल रिलेशन नहीं हैगा। की यह सिमेट्रिक है, 1 नूं भरे ते तां 39 आउंदा, 20 नूं भरे ते 1 आउंदा, ओपोजिट रिलेशन नहीं हैगे, तां किसी का भी ओपोजिट नहीं हैगा, इहदा मतलब इह सिमेट्रिक नहीं हैगा, किसी का भी ओपोजिट नहीं आ रहा, आ ध्यान नाल देखो इन्हां दे विच किसी का भी ओपोजिट नहीं आ रहा, इहदा मतलब इह एंटी सिमेट्रिक है, इह एंटी सिमेट्रिक है। इह ट्रांसटिव हैगा, जिवें 1 नूं भरे ते 39 आया सी, 39 नूं भरन दे नाल तां कुछ है ही नहीं, 3 नूं भरे ते 35 आया, 35 नूं तां भरे ही नहीं जाणा, ठीक है, सो ऐसे तरीके नाल तुसीं ट्रांसटिव चैक कर लेना कि यह इक्विवेलेंस हैगा क्यों नहीं हैगा, इक्विवेलेंस सिर मार रहे हो तुसीं, इक्विवेलेंस क्यों नहीं हैगा, हाँ जी क्योंकि रिफलैक्सिव ही नहीं हैगा, पहली शर्त ही नहीं पूरी करता, यह रिफलैक्सिव नहीं हैगा इसलिए इहनूं आपां इक्विवेलेंस नहीं कह सकते, यह रिफलैक्सिव नहीं हैगा इसलिए इहनूं पार्शल ऑर्डर सैट भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की पहली शर्त रिफलैक्सिव सी, रिफलैक्सिव ही नहीं है, ना इक्विवेलेंस है, ना पार्शल ऑर्डर सैट आ, ना टोटली ऑर्डर सैट आ, ना चेन आ, ना पो सैट आ, ना टो सैट आ, हाँ जी लगेगा कोई बात नहीं,
लेंथी जाएगा, इसलिए तो लेंथी क्वेश्चन है, वरना तो बच्चों वाला क्वेश्चन ही है। फिफ्थ सिक्स वाला बच्चा भी देख सकता है कि एक्स को वन पुट करके वाई क्या आ रहा है। आपके लेवल की बात तो इस इन पॉइंट्स के पता करने के बाद शुरू होगी। आपका लेवल यहाँ है, फिफ्थ सिक्स क्लास वाले बच्चे का लेवल यहाँ है, लेकिन वो वैल्यूज निकाल सकता है, पॉइंट निकाल सकता है, जिसको ये पता है कि वन पुट करके वाई कितना आ रहा है, टू पुट करके वाई कितना आ रहा है, पॉइंट्स तो वो भी सारे लिस्ट बना देगा। सेवन्थ क्लास का बच्चा, सिक्स क्लास का बच्चा लिस्ट बना देगा, लेकिन वो आपके लेवल तक सोच नहीं ना सकता कि इक्वलेंस है या ना, ट्रांसटिव है या ना, रिफ्लेक्सिव है या ना, ट्रांसटिव है या ना, पार्शल ऑटो सेट है या ना, वो आपके लेवल की बात है। ये तो बच्चों वाला काम है। जो मैं दसता भी ये ट्रांसटिव नहीं है, क्योंकि वी का एक न रिलेशन आ, एक का उनताली न रिलेशन आ, तो वी का तो उनताली नाल है नहीं गा, इसलिए यह ट्रांसटिव भी नहीं बनिया। बहुत अज दे लई, पार्ट टू कर लांगे आपां रिलेशन वाले चैप्टर का। मैं तो इस चैप्टर नूं अज फिनिश करन दे मूड च सीगा सारे नूं, पर हुण नहीं, लेंथी चैप्टर है, फिर फाहा वढ जाऊगा, कोई वधिया लाऊंगा।